आज निकल रहे हैं हम फिर से ग्रेटर नोएडा के लिए. Hello, और मॉर्निंग एवरीवन. बिल्कुल सुबह के 8 बज रहे हैं, ग्रेटर नोएडा निकल रहे हैं क्योंकि सुभाष जी जिनके हम गए थे जो इलेक्शन में विजयी हुए हैं उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम रखा है. लेट हो रखे हैं हालांकि क्योंकि 1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने में. तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी. व्लॉग्स को भर भर के प्लीज प्यार दीजिए. और कमेंट करने से पहले ना प्लीज मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप शेयर कीजिए व्लॉग्स को. सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है और जितने सारे व्यूज आते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं. आपको क्या अच्छा लगता है आप ये बताइएगा, हम उसी तरह का कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे. गाड़ी में चलते हैं आगे, व्लॉग बनाते रहेंगे. इसके अलावा हाइपरलैप्स भी बनाएंगे. मम्मी भी साथ में है हमारे चलने के लिए तैयार क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है. इधर देखिए ये माँ बेटों का प्यार है ना मम्मी. हेलो बोल दीजिए. हेलो गाइस, चलते हैं ग्रेटर नोएडा. हाँ ग्रेटर नोएडा चलते हैं, बहुत दिनों बाद वहाँ जाने का मौका मम्मी को मिल रहा है. हम तो लास्ट वीक ही जाके होके आए हैं. तो आज हम तीनों माँ बैठे हैं, माँ बेटे बैठे हैं पीछे. क्यों एंजॉय भी कर रहे हैं? क्यों कार्तिक, मास्क लगा लो बेटा. और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आप हमें कितनी देर में पहुँचाने वाले हैं? हम नोएडा एक्सटेंशन पहुँचने वाले हैं और यहाँ से आधा घंटा तो कम से कम लगेगा. ओके आधा घंटा. हाँ पापा की स्क्रीन में आधा घंटा. वैसे सामने शीशे में देखिए अपने. हाँ जी, यहाँ हमारे एक रिलेटिव का घर है तो मम्मी मुझे वो बता रही हैं कि यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव है, उनका घर है. हाँ ये मूवी वाले पुष्पा दीदी हैं हमारी, लगेंगी उनका घर है. बहुत ही अच्छी हैं वो. हाँ जब भी उनके घर जाते हैं तो बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और बहुत अच्छे. सब लोग सब लोग गलत फहमी ना पाल लें और कमेंट्स में ये ना पूछे कि कहाँ है पुष्पा, कहाँ है. और शायद उसके घर जाने के लिए विजिट ना करने बोले. हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुँच रहे हैं. ये है वाला गेट. ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है. वेलकम टू ग्रेटर नोएडा. हो गया. ये देखो 3D स्क्रीन. गौर सिटी सेंटर. आगे एक मॉल आएगा बहुत अच्छा. हम लोग इतना अच्छे नज़ारे देखने में जा रहे हैं, आपको कैसे नहीं दिखाएं. गौर सिटी मॉल, बड़ी सी गाड़ी असलियत में बहुत छोटी होती है. हम एक हाइपरलैप्स रिकॉर्ड कर रहे थे और तब तक हम पहुंचे हैं ग्रीनरी भरी जगह पर. ये हम आपको अभी दिखाते हैं. हाइपरलैप्स में इतनी ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं, जैसे ये वाले फ्लावर्स हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हरियाली है. इस साइड के लिए देखिए, देखिए कितने येलो फ्लावर. पापा क्या बता रहे थे कि किस कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ भी कुछ भी नहीं था सब कुछ पापा. हाँ यहाँ पे 5 years back कुछ भी नहीं हुआ करता था, बस ये रोड थी और आने में भी डर लगता था जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था. लेकिन आज की डेट में पूरा ही ट्रैफिक चल रहा है, रोड चल रही है और बहुत ही अच्छा है. हर चीज़ अच्छा लगता है, हैपनिंग सा लगता है, आने में भी अच्छा लगता है. दादी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं थोड़ी थोड़ी नींद. और कार्तिक
हम बैठ के देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले पापा कह रहे थे कुछ नहीं था, अभी देखो यहाँ जैसे ब्लैंक है ना, ऐसे ऐसे ही सारा एरिया ऐसे ही था खाली, पर जो भी हो ग्रीनरी जो है ना यहाँ की बेस्ट पार्ट हरियाली, गांव जैसा लगता है यहाँ पे ग्रीनरी के यहाँ बड़े लंबे लंबे पेड़ है यहाँ छोटे छोटे। जूम जो कर रहे हो मोबाइल के साथ जो देखेंगे उनको चक्कर आ जाएंगे। चलो हम जरा बंद करते हैं, बैक टू व्लॉगिंग। आज केशव के हाथ में है फोन और आज तो व्लॉगिंग जो है मिनट मिनट पे चालू हो रही है और मिनट मिनट की बनेगी। इधर है बेटा, ये माँ, ये माँ मम्मी है आपकी, उधर है, उधर है, उधर। हाँ वाह कितनी प्यारी सड़क है, गांव की याद दिला दी, दोनों तरफ हरियाली हरियाली, बीच में देखो, साइड में देखो, हर जगह हरियाली है, आगे तक हरियाली है, इतने पेड़ हैं, जिन्होंने लगाए होंगे वो आज भी लगा ही रहे होंगे। बोने में तो बड़ा टाइम लगता है, ये बीज नहीं बोते ना, नहीं अपने आप उगता है, अपने आप थोड़ी उग सकते हैं। हाँ ये अपने आप उगता है बाबू, झाड़ियाँ उगती है, पेड़ पौधे खुद लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए, सेब खा के उसको थूक देते हैं तो वो उग जाता है ना। किसने बताया ये ज्ञान की मूर्ति, किसने बात की? बाबा गाड़ी तेज करो, ये देखो बाबा पहुंच चुके हैं हम ग्रेटर नोएडा फिर से। सुभाष भाटी जी ने यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है आज उनका, तो उन्हीं के लिए हम आए हैं। एक घंटा लगा है करीब हमें पहुंचने में, क्योंकि हमने शॉर्टर रूट लिया था, लेकिन क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ना, ग्रेटर नोएडा को तुगलकाबाद से जोड़ने के लिए एक रूट चालू हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज 50 मिनट में पहुंच जाते हम। तो इधर पीछे जो है ना वो सब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, आगे की वीडियोस वहीं दिखाऊंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह पीछे चल रहा है, बच्चों को मैं छोड़ के आ रहा हूँ सुभाष भाटी जी के घर पे, और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह में देखते हैं कि क्या क्या होता है। आ जाइए मम्मी। ग्रेटर नोएडा आप जब भी आते हो ना तो इतना ही अच्छा लगता रहता है, क्योंकि हर जगह ग्रीनरी है, खुली डुल्ली रोड है, कोई कंजेशन नहीं है, ग्रीनरी है, लोगों के पास थोड़ी बहुत जगह भी रहती है, आगे थोड़ी बहुत क्या बहुत जगह रहती है, तो अपना गार्डन वगैरह बना लेते हैं, पर्सनल प्लेसेस होते हैं उनके। तो मुझे लगता है जब भी आप भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, जो भी यहाँ पे NCR के लोग रहते हैं, आगे आने वाले 5-7 सालों में ना मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। फिर से आ चुके हैं हम भाभी जी के पास। हेलो कर दीजिए भाभी जी, कैसे हैं आप? आज भाभी जी का गेटअप कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा सभी। और आज क्या है, क्या स्पेशल डे है आज? आज शपथ ग्रहण है। बिल्कुल आज है शपथ ग्रहण समारोह भाटी जी का, क्योंकि सब ने बहुत ही बहुमत से जो जिताया है ना उन्हें अध्यक्ष पद के लिए, तो वही शपथ ग्रहण समारोह है आज। इसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं, गाजियाबाद से यहाँ पे आ गए हैं, 44 किलोमीटर की दूरी तय करके, पानी शानी पीते हैं और उसके बाद चलते हैं समारोह में। तो मेरे साथ है यहाँ पे समीर,
समीर को, समीर अभी 10th स्टैंडर्ड में है, 10th के एग्जाम देने वाले हैं। यस समीर, और बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड है, आपको नहीं लगेगा कि गुर्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वेल बिहेव्ड इतने हैं कि मेरे सामने तो शायद आज आँख मिलाई है, लास्ट टाइम तो आँख भी नहीं मिला रहे थे। और मैंने, क्योंकि इनका फेस बहुत लंबा है और ऐसा लगता है जैसे कि कल को मॉडलिंग कर सकते हैं ये, और इनके बाल बहुत ही सुंदर हैं श्री हरि नारायण की कृपा से, तो मैंने बोला इन्हें कि कुछ कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, यानी आप DSLR से पिक्स वगैरह क्लिक करके, और क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त माध्यम बन गया आज की डेट में हर चीज़ करने का, तो मुझे लगता है कि इसमें भी इनका करियर बन सकता है, हालांकि ये बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में। स्वागत समारोह होता है, हुआ है यहाँ पे, सभी स्वागत कर रहे हैं फिलहाल, और उसके बाद शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। मेरी तरफ से आप सभी को समर्पित है, आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों का इस माला पूरा ओमिक्रॉन 1A थोड़ा सा बैठ जाएं तो रास्ता बना देंगे, आई हुई है और पूरी जनता आई हुई है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। मैं प्रदीप तोमर जी से अनुरोध करूंगा कि फेडरेशन के अध्यक्ष जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रदीप तोमर जी भाई एक बार नाम दे देंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से संचालन करूंगा, और जितना लंबा बोलूंगा उतना अच्छा बोलूंगा, बीच में रुकता रहूंगा तो मेरी लय खराब होती रहेगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत बाजी जी और हमारी नवनिर्वाचित जो भी सदस्य है एक बार आओ और जी पर बाजी जी डाल ली एक बार। सक्सेना जी हैं, वहां से अनुरोध है कि वो फेडरेशन के अध्यक्ष जी का माला पहना कर स्वागत करेंगे। विंग कमांडर रहे सक्सेना जी, विंग कमांडर जी देख लो मेरी नजर की आगे ही रहेगी पीछे नहीं दौड़ पाई। क्या बात है, देश की सेवा किए हुए लोग जब आते हैं किसी का स्वागत करने तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कार्यक्रम का समापन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। लोग हैं ग्रेटर नोएडा की क्रीम लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे पदों पर सब लोग नियुक्त हैं अलग अलग शहरों से। जब से मैं अभी बात कर रहा था कि अगर सेक्टर का संचालन करता कोई व्यक्ति होता तो बड़ी आसानी होती उसको नाम लेने में बुलाने में, लेकिन सर मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ तो लोग सारे आपस में जो अनजान ही है क्योंकि एक दूसरे से परिचय बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है बहुत बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि शहर नया है तो सेक्टर भी नया है तो इसलिए परिचय ना होगा थोड़ा सा जो है ये सिस्टम बनाया। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ क्योंकि जितने भी RW सेक्टर के अंदर हैं मोस्टली उसमें स्थानीय आदमी RW का अध्यक्ष पदाधिकारीगण है, तो मैं हर आदमी से ये कहता हूँ कि भाई हम लोग जैसा एक बिल्डिंग होती है उसकी एक नींव होती है, हम लोग इसकी नींव हैं, लेकिन बिल्डिंग जो सुंदर बिल्डिंग है ये लोग गिनती है कि हम इन लोगों का सहयोग करें और इनको एक सुरक्षा का ऐसा माहौल दें जिससे जो है बिल्डिंग और सुंदर हो जाए। मैं कार्जी उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और इनको आशीर्वाद भी दें और दिशा निर्देश भी दें। मैं कार्जी की भावना है कि भाई आप लोग आने वाले समय में अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से प्राधिकरण के सामने प्रशासन के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर और इस सेक्टर का भला करेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में श्री करमवीर सिंह जी हैं जो U3 RW के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है वो आए और अपना उद्बोधन दें। टाइगर जी जो है महासचिव दीपक भाटी जी और मंच पर बैठे सभी आदरणीय का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में RK त्रिपाठी जी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और इन्हें दिशा निर्देश दें अपना आशीर्वाद दें। भाटी जी मंच पर उपस्थित, टाइगर साहब नई RWA के पदाधिकारीगण और सेक्टर के तमाम हमारे सम्मानित निवासी, इस शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी का अभिनंदन स्वागत। तब सिर्फ एक ही सेक्टर था, Alpha 1 Alpha 2
जहाँ पर कुछ लोग तो हम लोग वहाँ पर घूमने गए तो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, तो फिर हम घूमते घामते जो है वो सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में आ गए। ओमिक्रॉन 1 जो था उस वक्त ठीक मार्च, आज से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त जब हम यहाँ पर आए तो ये मकान सारे बने हुए थे और सारे खंडर थे। यहाँ पर गाय भैंसें चरा करती थी, कुत्ते घूमा करते थे और सिर्फ एक ही फैमिली जो थी 2012 में रही रह रही, उनसे मुलाकात करी। आज 10 साल के बाद जो है सेक्टर कहां से कहां तक आ गया है ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उस वक्त यहां की ग्रीनरी देखते हुए हमने कहा कि ये रिटायरमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, तो अपने परिवार से मैंने डिस्कस वगैरह करके हमने यहाँ पर आके अपना आशाना बना लिया कि रिटायरमेंट के बाद यहीं आकर रहेंगे। और बहुत ही खुशी है मुझे आज कि हम लोग यहाँ पर जो हमने 10 साल पहले सपना देखा था हम पूरा कर पा रहे हैं। अब जहाँ तक सेक्टर की बात है, उस वक्त एक आदमी यहाँ पर रहा करता था, मैं उससे कांस्टेंट टच में रहा, हालांकि मैं विदेश में रहता था लेकिन मैं कांस्टेंट टच में रहा। तो हर साल वो जो कहता जी मैं जो है प्राधिकरण को चिट्ठी लिख देता हूँ, ये काम हो जाता है, ये काम हो जाता है। तो एक आदमी जो है वो सेक्टर को यहाँ से गढ़ से लेकर यहाँ तक लेके आया। उसके बाद 5 साल और बीते और सेक्टर जो है थोड़ा सा और ऊपर आया। उसके बाद जो है एक कुछ लोग आए, 20-25 लोग आए, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, नॉमिनेट करी जो थी, और वो एसोसिएशन जो है वो इस सेक्टर को इस स्तर पर लेकर आ गई है। यहाँ से जो है हमें वापस नहीं देखना है। तो स्वागत समारोह यहाँ पे होते हुए और पूरी फेडरेशन यहाँ पे जिन्होंने इलेक्शन करवाया, प्रकाश बैसोया जी हैं वो भी आ जाएं, सबके सब यहाँ मौजूद हैं। श्री प्रकाश बैसोया जी, हमारा ये सेक्टर है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे आता था तो यहाँ 25 लोग देखने को नहीं मिलते थे और आज यहाँ पे 400 लोग इन्वाइट किए गए हैं। देखो इस स्वागत के बाद हमारे इस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के जो आपके मुख्य अतिथि है उनके उद्बोधन के बाद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें श्री रंजीत प्रधान जी, नवनियुक्त जो पदाधिकारीगण हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम करेंगे। आपके ओमिक्रॉन की तरफ से एक अपनी जो बहनों की मेन आम समस्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा जो यहाँ पे हम लोग आए हुए 2017 में हम लोग यहाँ आए थे, तब से हम लोग यहाँ पे भजन कीर्तन जो महिलाएं हैं वो पेड़ के नीचे करती जा रही हैं और एक मंदिर की टाइगर जी यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसकी पूर्णा होती हो यही मैं आपसे कहना चाहती थी। इसके हमें सभी भाइयों और बहनों का सहयोग है, जोरदार तालियां मंदिर के लिए, धन्यवाद आप सभी का। भाई इतनी कंजूसी ठीक नहीं है, पीछे वालों की ताली बिल्कुल नहीं आ रही है, आगे वाले 2-4 बजा रहे हैं। यहाँ बाहर के सेक्टर के भी लोग आए हैं, ये कहेंगे ओमिक्रॉन 1A वाले बहुत ही कंजूस है, ताली भी नहीं बजा पाते, और कम से कम मैडम के लिए तो खास करके ताली स्पेशली बजनी चाहिए। तो मेरी बात हुई थी कि गेट नोएडा प्राधिकरण एक तरह से एक व्यापारी है कि पैसे दो सुविधा लो, आपकी किसी भी सुविधा के अंदर ना तो स्टेट गवर्नमेंट का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। जो भी आप सुविधा यहाँ पे ले रहे हैं वो आप पे कर रहे हैं उसके बाद ले रहे हैं। अगर आपको कोई बजट ऐसा कोई ना तो RWH को ना कोई ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई बजट दे इससे आप काम कर पाए। आपने जो लीज रेंट दिया है उसका पैसा जो आपका उससे आपका मेंटेनेंस चल रहा है, तो ये बिल्कुल अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है, किसी की नहीं है कि भाई इस कहाँ से आ रही है। तो शपथ ग्रहण की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता तुल और फेडरेशन के संरक्षक श्री रंजीत प्रधान जी, मंच पर मंचासीन श्री हरिंद शर्मा जी, करमवीर फौजी जी, हमारी फेडरेशन के कोषाध्यक्ष श्री मनीष भाटी BDC जी, मंच का संचालन कर रहे श्री दीपक भाटी जी, श्री त्रिपाठी जी, श्री अम्बाता जी और मेरे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित सेक्टरवासी,
और दाई तरफ बैठी मेरी मातृशक्ति, मैं सभी का नंदन और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं जो नव निर्वाचित ये RW ओमिक्रॉन फर्स्ट की टीम बनी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं उनको देता हूँ जो चुनाव कमेटी बनी, उन्होंने अपना पूरा समय 10-15 दिन दिया, और उनके साथ जो सेक्टर वासी हैं जिन्होंने बड़े शालीनता के साथ अपनी मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, वो बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे फेडरेशन के संरक्षक और विभिन्न RWAs के संरक्षक श्री रंजीत प्रधान जी, देखो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इनकी प्रशंसा करने के। ये कोई इस सेक्टर का विषय नहीं है, ग्रेटर नोएडा की जितनी भी RWAs का भी लगभग पिछले 1.5 महीने 5 RWAs का इलेक्शन हुआ है, तो निरंतर लगभग 80 साल की उम्र पे और इस तरह से अपना एक दबाव लेना, क्योंकि जो चुनाव लोग करा रहे हैं उन लोगों को पता होगा, उनको ऐसा लगता होगा हमारे सेक्टर में बड़ा विवाद है भाई, हर सेक्टर वाले को ऐसा लगता है, लेकिन आपका सेक्टर विवाद के मामले कहीं पर भी नहीं है, ऐसे ऐसे विवाद है सेक्टरों में। और रात रात 12-12 तक जो चुनाव कमेटे सो सोने नहीं देते लोग, और जो हार जाता फिर कहता बेईमानी करा दी मेरे साथ, तो गड़बड़ करा दी। तो इस तनाव को लेना, इस दबाव को लेना बहुत बड़ी बात होती है, इसी के लिए आलोचना कर देना बड़ा आसान है, कर दो और आप शपथ ग्रहण में पहुंच जाओगे। उपाध्यक्ष के रूप में श्री धर्मेंद्र सिंह भाटी जी हैं, 132 वाएं मंच पर। आपके नवनिर्वाचित सुखराम जी हैं, मुझे महासचिव पद पर चयनित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, चयनित तो अलग हो गए, वहाँ है मंच पर। हमारे सेक्रेटरी के रूप में जो सिलेक्शन हुआ है वो संजय वर्मा जी हैं, A92 वहाँ है। भाई तालियां इस बात की बज रही है कि आप काम करेंगे, जो पद मिला है उस पर काम करेंगे। हाँ ताली जितनी बज रही है इतनी उम्मीद कर रहे हैं आपसे, ज्यादा उम्मीद आपको करनी है, जोर से तालियां बजानी चाहिए आपको। योगेंद्र शर्मा जी हैं C86 से, जो कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्री अनिल शर्मा जी हैं जो ऑडिटर के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है, सब गड़बड़ ना करें बिल्कुल भी, ऑडिट बिल्कुल निष्पक्ष करना है आपको। श्री सुखबीर सिंह अम्बाव जी हैं A158 से, जो संरक्षक के रूप में जो अपना आशीर्वाद इन पे बनाए रखेंगे। श्री राजेंद्र सिंह मलिक जी हैं D204 से, जो कानूनी सलाहकार के रूप में जो है अपनी सेवाएं देते रहेंगे, सेवाएं देंगे, अपने इनसे अपेक्षाएं की हैं ये उन्हें पूर्ण करें। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि ये कोई स्वैप, ये कोई इसे कोई फंड मिलने वाला नहीं है, ये सब आपके पैसे से ही आपके विकास कार्य करवाएंगे और आपके सहयोग से ही और टेडी में जाएंगे। यदि जब भी आपको बुलाया जाए तब आपके साथ जाए, और जो भी कार्य है वो बिना पैसे के होता नहीं, तो पैसे का भी जैसा भी कनेक्शन है उसको कनेक्शन दें कहेंगे। तो मैं स्टार्ट हो रहा है, मैं सब अपना अपना नाम लें, पुत्र श्री निवासी 240, मैं अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर सत्य लेता हूँ कि आप मुझे आप सबने पद का अपना अपना नाम लेंगे, जो अध्यक्ष या जो भी जिस पे हो, जो अध्यक्ष जिम्मेदारी दी है मैं उसको तन मन धन से बिना किसी भेदभाव के RWA ओमिक्रॉन वन के संविधान के अनुसार पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्यकारिणी प्रबंध समिति RWA ओमिक्रॉन वन ए ग्रेटर नोएडा की सहमति के आधार पर सेक्टर के हित में कार्य करूँगा तथा इसके अलावा
ग्रेटर नोएडा और जिक्र प्रकाश प्राधिकरण तथा क्षेत्र के निर्वाचित माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेक्टर की समस्याओं का निर्माण निवारण कराऊंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। many congratulations to everyone. अभी हमारे महासचिव साहब जो मंच का संचालन कर रहे थे, ये हमारे बाकियों ने हमने बनाए नहीं है, इनके बारे में बन जाएंगे, ये तीनों को प्रमाण पत्र देंगे। सर्टिफिकेट भाई सर्टिफिकेट ले लिए। एक बात और चाह रहा हूँ, आप लोगों ने शपथ भी ले ली है, इस शपथ को कल से चालू कर दो आप लोग। आज संडे है, नहीं आज तो नहीं कर पाएंगा, तो छुट्टी है जी भाटी जी, तो कल ही प्राधिकरण में जाकर चढ़ाई करो कि हमारे यहाँ ये फला फला समस्या, इनका निवारण होना चाहिए। उल्टा हो गया कि सीधा कर लो, ऐसा उल्टे काम करेंगे फिर ये। Thank you.